क्या कोई फूल से मासूम बच्चों का भी कत्ल कर सकता है, वो भी सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए? ये सवाल तब बेमानी हो जाते हैं जब बात चलती है हिंदुस्तान के कोल्हापुर की उन तीन सीरियल किलर माँ बेटियों की, जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि कुल 42 छोटे छोटे बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। यकीन मानिए, ये एशिया में किसी भी औरत का पहला चेहरा है जो इतना खौफनाक है। ये हिंदुस्तान की तारीख में फांसी पर चढ़ने वाली पहली औरतें बनने जा रही। इनके सामने निठारी का नर पेशाच भी पानी भरता है, क्योंकि वो हैं दुनिया की सबसे बेरहम कातिल। इनके सामने पंजाब का सीरियल किलर दरबारा सिंह भी शर्मिंदा है, क्योंकि इनसे खतरनाक इस धरती पर कोई नहीं। इनके सामने चेन्नई का खौफ ऑटो शंकर दोना है, क्योंकि वो हैं कोल्हापुर की जल्लाद माँ बेटियाँ। इन माँ बेटियों की जिंदगी की मिसाल इस सदी में नहीं मिलती। इनको शायद महिला भी कहना महिलाओं का अपमान है। ये किस्सा है कोल्हापुर की इन तीन हथियारी माँ बेटियों का, जिनकी कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है कि इन हथियारी माँ बेटियों ने मिलकर 1990 से 1996 के दौरान कुल 6 वर्षों में ऐसा काम कर दिया जिसने पूरे हिंदुस्तान को सकते में डाल दिया। इन हथियारी माँ बेटियों ने इन 6 वर्षों के दौरान 42 मासूम छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके बेदर्दी से मार डाला। मगर सवाल ये है कि वो क्यों वो चुन चुन कर छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाती थी। इन हथियारी माँ बेटियों ने कितनी ही माओं की गोद सोहनी कर दी, लेकिन इनका भी बांडा फूटा और ये हथियारी माँ बेटियाँ पुलिस के हाथे चढ़ गई। इनके अपराध का तरीका जितना खतरनाक था, इनके इरादे इतने ही चौंका देने वाले थे। इन तीन अपराधियों तक पहुँचना पुलिस की बस की बात नहीं थी, लेकिन ये काम CID ने कर दिखाया। इन हथियारी माँ बेटियों तक पहुँचने का जो जरिया बना, वो भी एक मासूम ही की लाश थी जो इन्होंने बड़ी बेदर्दी से मार डाला था। इस नन्हे मासूम की लाश कोल्हापुर के एक बस स्टैंड पर मिली थी। जब पुलिस को ये खबर मिली कि बस स्टॉप पर एक मासूम की लाश मिली है, तो पुलिस पहली बार हरकत में आ गई। पुलिस ने जब इस मासूम की लाश देखी तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। इस नन्हे बच्चे को बड़ी ही बेदर्दी से बुरी तरह जख्मी करने के बाद कत्ल किया गया था। ये बात में पता चला कि इस बच्चे को जोर जोर से एक खंभे पर पटक पटक कर मार डाला गया था। दूसरे लफ्जों में इस नन्ही जान को कातिल ने एक खंभे पर ऐसा दे मारा था कि इसके जिस्म के कई टुकड़े हो गए थे। जब पुलिस ने इस नन्हे बच्चे का कातिल खोजना शुरू किया, तो इसके कातिल की कहानी ने पूरे हिंदुस्तान के माओ को सोचने पर मजबूर कर दिया। दौरान तफ्तीश पुलिस को पता चला कि दरअसल ये बच्चा कुछ ही रोज कबल चोरी हो चला था। ये पहला बच्चा नहीं था जिसे चोरी करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। इससे पहले भी कोल्हापुर के आसपास के कई इलाकों से बच्चे चोरी होते थे, जिनकी बाद में नाश मिलती थी। लिहाजा सरकार ने मामले की गंभीरता देखते हुए CID की सुपुर्द कर दी। CID ने इन हथियारों को पकड़ने में अपनी पूरी ताकत के साथ जुट गई और आखिरकार कामयाबी मिल गई। CID ने इस मामले में अंजना कावत नाम की एक महिला और इनके दो बेटियों रेणुका और सीमा को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तौर पर ये तीनों महिलाएं इस कांड से इनकार करती रहीं, लेकिन इनके चौथे साझेदार रेणुका के पति किरण शिंदे को गिरफ्तार किया, तो इसने बतौर सरकारी गवाह इन तीनों माँ बेटियों के हथियारों का खुलासा कर दिया। दरअसल ये तीनों माँ बेटियाँ चोरी चकारी करती थी, लेकिन चोरी के दौरान पकड़े जाने पर बचने का एक अनोखा तरीका अपनाया था। ये इन अगवा किए हुए मासूमों को चोरी के वक्त अपने साथ रखती थी, और जब पकड़ी जाती तो ये लोगों का ध्यान बटाने की गरज से अपने साथ इस मासूम को जोर से जमीन पर पटक देती। यूं लोगों का तवज्जो जमीन पर पड़े इस जख्मी मासूम की तरफ जाता और ये मौके का फायदा पाकर फरार हो जाता। ये सिलसिला तकरीबन 6 माह तक चलता रहा, और ये तीनों मासूम बच्चों को अगवा करके अपना मकसद पूरा होने पर इन मासूमों को मारती रही। गिरफ्तारी के एक साल भीतर
ہی ان دونوں کی ماں کی جیل میں موت ہو گئی۔ ان دو قاتل بہنوں کو عدالت نے 42 معصوموں کی قتل کے جرم میں 70 سال 6 ماہ کی قید سنا دی اور 7 بار سزائے موت۔ یہ ہندوستان کی پہلی مہلائیں ہوں گی جن کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔